नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं हम, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड। कोऑपरेटिव मेथड में हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड में हम ग्रुप्स बनाते हैं, छोटे ग्रुप बड़े ग्रुप्स में हम मुख्तलिफ तरह के टास्क देते हैं और स्टूडेंट्स उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। टीम वर्क का एक स्टाइल होता है और इसमें और भी तरह तरह के मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए कोऑपरेटिव मेथड में लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव मेथड को आप यही इसी तरीके से ले सकते हैं जिसमें कोऑपरेशन होता है, जिसमें टीम वर्क होता है, जिसमें मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसको कोऑपरेटिव मेथड के तौर पर लिया जा सकता है। लेक्चर मेथड से कितनी लर्निंग होती है, 5% लर्निंग होती है। रीडिंग मेथड से कितनी लर्निंग होती है, 10% लर्निंग होती है। अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद लर्निंग को इन्हेंस करें तो रीडिंग मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। इस तरीके से डेमोस्ट्रेशन मेथड है, डेमोस्ट्रेशन मेथड 30% हमें लर्निंग देता है। तो ये जब टीचर किसी भी चीज़ को डेमोस्ट्रेट कर रहा होता है और स्टूडेंट्स उसको देखते हैं तो उनसे उनकी लर्निंग और उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। डेमोस्ट्रेशन के बाद डिस्कशन मेथड है, 50% लर्निंग हमारी डिस्कशन मेथड से होती है। तो डिस्कशन मेथड को टू वे डिस्कशन स्टूडेंट्स की आपस में ग्रुप में डिस्कशन को जब हम करते हैं, कोई एक लेसन पढ़ाया उसमें उनको कहा कि आपस में डिस्कस करें और जब हम पूरा लेसन पढ़ा चुके हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स को कहा है कि आप इसमें दोनों स्टूडेंट्स पहले एक शख्स दूसरे से डिस्कस करें, क्वेश्चन आंसरिंग के अंदाज में समरी को एक्सप्लेन करें। तो ये एक डिस्कशन मेथड से हम ज़्यादा लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। परफॉर्मेंस एक्शन मेथड डू के ज़रिए हमें 75% लर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो जब वो काम डिस्कशन के बाद वही काम वो खुद करते हैं तो 75% उनकी लर्निंग होती है और 90% के करीब राउंड अबाउट जो लर्निंग होती है वो टीच टू अदर होता है। तो इसमें थिंक पेयर एंड शेयर ये एक मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। दो लोगों का पेयर है, एक स्टूडेंट दूसरे को टीच करता है, वो अंडर थिंकिंग करता है, उनका पेयर बनाया जाता है और उस पर वो शेयरिंग करता है, वो टीच करता है दूसरे लोगों को। तो लिहाजा ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है कि हमें टीचिंग के बाद प्रैक्टिस में इतना टाइम स्पेंड करें कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को टीच करें, अपने कॉन्सेप्ट की शेयरिंग करें, तो इससे 90% अंडरस्टैंडिंग होती है। तो देखा आपने लेक्चर मेथड से शेयरिंग और टीचिंग मेथड तक हम अगर जाते हैं तो आपने एक लेक्चर दिया स्टूडेंट्स को, कहा अब आपने एक दूसरे को टीच करना है, तो 90% तक हम लर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो ये ट्राइंगल को आपने कभी नहीं बोलना जो कि आपको लर्निंग ट्राइंगल के तौर पर इसकी अंडरस्टैंडिंग देती है कि हमें कौन सा मेथड ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं।